देखिए ये स्क्रीन के इस एरिया को डेस्कटॉप, ठीक है, हाँ चारों जो स्क्रीन दिख रहा है माउस का जो पूरा आपका डेस्कटॉप, नीचे ये जो बार है ये है टास्क बार। टास्क मतलब होता है कोई भी काम हम जो करते हैं, तो इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, कोई पेंटिंग का काम कर सकते हैं, एक सरीज पेंट, हम कोई चीज़ पेंट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी पेंटिंग का काम किए, एक टाइपराइटिंग का काम कर सकते हैं, कुछ टाइपिंग काम कर रहे हैं, कुछ गाना सुनना है तो गाना सुनने का काम करते हैं विनैम्प नाम के सॉफ्टवेयर पे, विनैम्प विनैम्प, ठीक है, इस पर प्ले करते हैं तो ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो अभी क्या क्या काम कर रहे हैं, एक तरफ गाना हम सुन रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम कुछ टाइप कर रहे हैं और तीसरा पेंटिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है मल्टी टास्किंग, एक साथ कई काम करना। तो अब जब मिनिमाइज करते हैं तो अब हम टाइपिंग का काम करते हैं तो पेंट मिनिमाइज हो जा गया, अभी बंद नहीं हुआ है, मिनिमाइज नीचे में है, पेंटिंग टाइपिंग और ये साउंड का, ठीक है, तो ये मिनिमाइज, तो मिनिमाइज हो जाता है यही चीज, तो इसलिए इसका नाम टास्क बार है। मैक्सिमाइज किए तो क्या अभी मैक्सिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज नहीं हुआ, ये हुआ रीस्टोर साइज, मतलब यूजर डिफाइन साइज, यहाँ बटन पे ध्यान दीजिए, ये मिनिमाइज, ये अभी मैक्सिमाइज होगा, जब क्लिक करेंगे तब मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज हुआ और ये यूजर डिफाइन और ये क्लोज, तो सेव पूछेगा, फाइल हमको नहीं करना है सेव, विंडो, तो यहाँ पे हम इस सॉन्ग के गान को हम ये प्लेयर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो ये मूव टूल इसके ऊपर वाले बार पे ही कर सकते हैं, ये कहलाता है टाइटल बार, यहाँ पे टाइटल बार या पेंट ब्रश में इस फाइल का नेम क्या है अनटाइटल, तो टाइटल बार से ही मूव होगा, तो ये तीन चीज़ होता है यहाँ पे, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज, ठीक है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज और रीस्टोर और साथ में मूव, ठीक है, रीसाइज बढ़ाना घटाना यहाँ पे है, यहाँ पे टाइटल पे क्लिक किए, साइज जहाँ साइज किए इसका साइज चेंज करने के लिए आएगा ऑप्शन, ठीक है, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज रीस्टोर और क्लोज, ठीक है, स्टार्ट गए सीरीज गए सीरीज गए नोट पैड, ठीक, ये है क्या लिखा हुआ है, फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प, इसको मेनू कहा जाता है, ठीक है, फाइल मेनू एडिट मेनू फॉर्मेट मेनू, ठीक है, ये टाइटल बार, ये जब कोई चीज़ हम एक लाइन लिख रहे हैं और ये पूरा लाइन भर जाता है तो इंटर नहीं क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे एक बार हाइलाइटेड हो जाता है और इस पेज से लंबाई के से ज़्यादा अगर हम इस पे गए और इंटर की देते गए, आप पेज यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये पेज से ज़्यादा अगर लाइन हो जाता है तो वहाँ पे अपने आप एक बार एक्टिव हो जाएगा, देखिए, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल बार और ये रिस्ट, तो यहाँ पे आपका टाइटल बार, मैक्सिमाइज रीस्टोर मिनिमाइज और क्लोज, तो क्लोज कोई चीज़ करते हैं तो वो पूछता है फाइल को आपको सेव करना, क्यों सेव करने के लिए पूछता है, कि बाद में हम फाइल को खोल सकें, तो जब तक कोई फाइल का नेम नहीं देंगे तब तक, तो हम इसको सेव कर लेना चाहते हैं तो इसका नाम देना चाहते हैं हम ए बी सी, ए बी सी और फाइल का टाइप हुआ एक्सटेंशन सेव, अब बाद में हम नोटपैड खोलें और ए बी सी फाइल को खोलते हैं, स्टार्ट एक सीरीज और नोटपैड में हम बनाए थे वो ए बी सी, नोटपैड में फाइल
ओपन एबीसी ओपन, तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो एबीसी में सेव हो गया है।